नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर के लोहारका रोड पर घरेलू झगड़े के चलते एक नौजवान की आत्महत्या, पत्नी से था परेशान। पुलिस कमिश्नरेट जालंधर ने वैध हथियारों के साथ 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एक देसी पिस्तौल, एक मैगजीन, 7.65 mm के 4 राउंड और एक स्टील बटन वाला चाकू किया बरामद। जालंधर ग्रामीण पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 3 किलो अफीम के साथ 2 नशा तस्करों को किया काबू। पुलिस जांच में जुटी। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर की लोहारका रोड पर एक नौजवान की ओर से आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घरेलू झगड़े के चलते नौजवान ने यह कदम उठाया, तो वहीं पीड़ित परिवार ने बताया कि उनके बेटे का अपनी पत्नी के साथ झगड़ा चल रहा था, जिसके चलते उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। वहीं उन्होंने पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया। वहीं पुलिस अधिकारी ने कहा कि पुलिस की ओर से जांच की जा रही है और जांच के बाद बनती कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। भाभी दोवें आपस लड़ पे इतने रात 18 तरीक न, और उन्हें अपने भरावों बुला लिता तो कहती मारता कुड़ता है मैनू जी, कभी आप तारा फटती कभी कुछ कर दी, तो और ताडे साडे वे जी के बेटे आए उन्होंने आके समझाया तो उन्हें अपने भरावों बुला लिया, कहते लत्तां बाहवां तोड़ दो, इनू मार दो, फट के इनू ना इतें रहन दो, ये मैनू मारदा वा जी, यो गल कर दी। तो बाद उन्होंने उसे जाकर रिपोर्ट लिखाती थाने के 10-12 दिन बाद उन्होंने थाने रिपोर्ट लिखाई जाके, तो वो लैन बेचारा जाता ही 6 बारी गया लैन थाने के, उन्होंने यो गल आखी कि वह कहें भी वो नहीं जी आते, तो उन्होंने बेचारे दबके दुबके मार के भजा देंगे हर बारी। अने भी उन्होंने सज़ा मिलनी चाहिए है जी, और जिन्या रही हैं इतने लड़ाई झगड़ा कर दी, कभी सिर च पलास मार दें, कभी थापियां मार दें। हाँ जी, पुलिस आई है मौके से, वो कार्रवाई करे जी। हूँ सर ये उधर है घर, तो इतने कोई 7:30 बजे ये जरा वापला होया वा, इतने घर कोई नहीं है, 6:30 बजे सारे चले गए घरों, तो उत्तों बाद भरा आया से, इन्होंने देखा इतों की ये पखे नाल इन्हें सुसाइड की। कारण देखो जी, इन्हों जो है वा वो झगड़ा इनकी वाइफ का, तो सहरे वालों धमकियां धुमकियां लाई गई, धमकी अपना कुड़ी नहीं भेजना, बच्चे नहीं देने, फलान नहीं करना, वो ऐसे टेंशन जरा ये काम हो गया। राजे नाम का लड़का जी 40 साल का, उन्हें सुसाइड कमिट किया जी। तो सर कि महीना सुसाइड हो सू, तो हमने अद्धा घंटा पता लगे जी, पहले साढ़े को चौंकी आए तो अए। सर इहदा कारण की है जिहड़ा सुसाइड किया गया? कारण इन्हां दा मैट्रीमोनियल डिस्प्यूट है जी, जो इन्हां दी वर्शन है घरदियां दे अकॉर्डिंग कि उहदा अपनी वाइफ दे नाल डिस्प्यूट चल रहा, और वाइफ इत्थे रह नहीं रही, इहदे नाल ते महीना हो गया, वो अपने पेके परिवार गई हुई है जी, ते अज घरें अज घरें नहीं सी हैगे, ते जो छोटे ब्रदर ने आके वेख्या ते उहने सुसाइड कमिट किया, उहने पक्खे दे नाल फाह लै लिया जी, ते आके हुणे इन्हां दा वर्शन देखदे आं भी की स्टेटमेंट लिखांदी उहदे अकॉर्डिंग कर। कोई सुसाइड लैटर लिखे गया? नहीं हजे नहीं पता। ते पुलिस अगो की कर रही है? हां जी, जो कानूनी कार्रवाई होगी ना, जो स्टेटमेंट लैके जो बनदी कार्रवाई होगी करांगे। पुलिस कमिश्नरेट जालंधर स्वपन शर्मा के निर्देशानुसार पुलिस ने बुरे तत्वों के खिलाफ चलाई जा रही अभियान के तहत 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं ADCP वन तेजवीर सिंह हुंदल के दिशा निर्देशों और ACP नॉर्थ शीतल सिंह के नेतृत्व में इंस्पेक्टर गुरमुख सिंह प्रमुख अधिकारी थाना डिवीजन नंबर 8 जालंधर की टीम ने
शनिवार को हुए लड़ाई झगड़े की घटना के संबंध में कार्रवाई की। पुलिस ने महेश उर्फ मोहित, दिव्यम बब्बर उर्फ गांजा और रिदम उर्फ कुक्कू तीनों निवासी सोडल नगर जालंधर को गिरफ्तार किया। वहीं गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों से एक देसी पिस्तौल, एक मैगजीन 7.65 mm के 4 राउंड और एक स्टील बटन वाला चाकू बरामद किया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड हासिल कर उनसे पूछताछ की जा रही है, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। पुलिस कमिश्नर जालंधर जी वालों फैडिक पुरचा के खिलाफ जी चलाई गई मुहिम के साड़ी टीम को अभी बड़ी सफलता मिली है। एक हफ्ता पहला एक राहगीर बड़ी बुरी तरह हाथों का कट के जो लुट के लैके गए थे, वो असी गैंग ट्रेस किया 3 जने का, जिद दो बंद की असं अरैसट पा लिया, उन्होंने को दफ्तर भी रिकवर कर लिया गया और एक बंद की असं अरैसट पानी बाकी है। उन्होंने प्रोडक्शन यूनिट पर लिया के असं जेल के बचों और उन्होंने भी असं अरैसट पावे जी और उन्होंने रिमांड लैके होर पूछताछ की जा रही है। इन्हों वालों जी अलग अलग शहर के कई वारदातें मनिया गई फिलहाल, सो जो भी अगे इन्होंने पूछगिछ चाहेगा साढ़े सामने लैके आया है। अजय अजय 2-3 बंदे हैं जी और इन्होंने पहला भी पर्चे दर्ज है। अपनी लोड़ा पूरी कर ली सर, एक गैस नूं लैके कोई कारपोरेशन मुलाजमां ते भी एफआईआर दर्ज हो गई। ਇਹ ਨੰਬਰ ਵਨ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਸੇਲ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਔਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ। जालंधर ग्रामीण पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 3 किलो अफीम के साथ 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमनदीप सिंह उर्फ काका निवासी होशियारपुर और मनदीप सिंह निवासी लुधियाना के रूप में हुई है। संबंधी SSP हरकमलप्रीत सिंह खख ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये ऑपरेशन इंस्पेक्टर रविंदर पाल सिंह, SHO आदमपुर थाना और DSP आदमपुर सुमित सूद की देखरेख में किया गया। पुलिस टीम ने दशहरा ग्राउंड चौक अलावलपुर के पास गश्त और जांच के दौरान 2 संदिग्ध व्यक्तियों को रोकने की कोशिश की। जब पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो चालक ने भागने की कोशिश की और एक बैग छोड़ दिया। पुलिस ने तत्परता से दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया और बैग की तलाशी के दौरान 3 किलो अफीम बरामद हुई, जो अलग अलग लिफाफों में पैक थी। वहीं प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि अफीम का ये कारोबार जेल के अंदर से सरगनाओं द्वारा संचालित किया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा और पुलिस रिमांड हासिल कर उनकी ड्रग सप्लाई चेन के अन्य कनेक्शन का खुलासा करने के लिए आगे की जांच की जाएगी। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। कल रात मिति 22/9/2024 को एक सूचना मिली कि मोगा फाटक भोगपुर के नेड़े एक नौजवान दे गोलियां मार के गोलियां मजिया ने, जिदे आधार के उत्ते साढ़े मुख्य अफसर थाना इतलाह मिलन से भोगपुर थाना के SHO वालों बहुत तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर पुजे और मौके पर पुज के जो एविडेंस कलैक्ट की और उन्होंने आधार के उपर जी है FIR नंबर 118 मिति 23/9/2024 दर्ज रजिस्टर की, जिदे विच रेलेवेंट सैक्शन ऑफ द BNS आर्म्स एक्ट दी धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। जिहड़ा मृतक है उसका नाम जसपाल सिंह उर्फ शालू, तो जो ये मुकदमा दर्ज किया गया ये उसके भरा नवजोत सिंह की स्टेटमेंट के आधार के उपर दर्ज किया गया, जो इस केस के तुरंत कार्रवाई करते हुए भोगपुर पुलिस वालों 3 दोषियों को जोड़ा वो गिरफ्तार किया गया। और इस केस के जी है जिन्हें भी साइंटिफिक टूल्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन और टेक्निकल टूल्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन होते हैं उन्होंने वरतों की जा रही है और इन टूल्स की वरतों करते हुए मुकदमा हजार के जोड़े हकी दोषी ने इन्हों ठोस सज़ा दिलवाई जाएगी।
जय हिंद। एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए जालंधर ग्रामीण पुलिस ने क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए चलाई गई विशेष अभियान के दौरान दो नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है और 1.2 किलोग्राम अफीम जब्त की है। कथित तौर पर ये ड्रग्स झारखंड से खरीदे गए थे। तो वहीं गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान पेशे से दर्जी रोशनलाल और नरेंद्र सिंह दोनों निवासी गोराया के रूप में हुई है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए SSP हरकमलप्रीत सिंह खख ने बताया कि DSP फिलौर स्वर्ण सिंह बल की देखरेख में गोराया थाना के SHO इंस्पेक्टर पलविंदर सिंह के नेतृत्व में टीम ने नियमित गश्त व चेकिंग अभियान चलाया। वहीं पुलिस टीम ने पुली नहर कमालपुर के पास दोनों व्यक्तियों को सफलतापूर्वक रोका। संदिग्धों की तलाशी लेने पर पुलिस ने 600 ग्राम के दो अलग अलग पैकेटों में छिपा कर रखी गई 1.2 किलोग्राम अफीम बरामद की। प्रारंभिक जांच में आरोपियों ने खुलासा किया कि रोशन लाल ने झारखंड से अफीम खरीदी थी तथा नरेंद्र सिंह उसका कुरियर का काम करता था। नरेंद्र सिंह झारखंड से ट्रेन के जरिए नशीले पदार्थ लेकर आया था और उसे रोशन लाल के इलाके में ग्राहकों को पहुंचाने के लिए जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। मानजोग SSP साहब श्री हर कमलप्रीत खख जी वालों नशा विरुद्ध और माड़े अंसरों विरुद्ध जी जिला पुलिस वालों देहाती वालों मुहिम चलाई है, जिस के तहत कार्रवाई करद हो थाना ग्राया के SHO इंस्पैक्टर पलविंदर सिंह उनकी टीम ने 1 किलो 200 ग्राम जी अफीम बरामद की हैगी शहर के ते दो जे अफीम न संबंधित तस्कर से उन्होंने काबू किया है। इन्होंने शनाख्त दोनों की लोकल रहने वाले ने, एक का नाम नरेंद्र सिंह है, एक का नाम रोशन लाल है जी। ये गुराया लोकल कस्बे के रहने वाले ने। इन्हों का असी 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया हुआ, हम पुछगिछ दौरान क्लीयर करांगे भी ये नशा कित्थों लैके आउंदे सी ते कित्थे अगे वेचदे सी, इन्हां दे की लिंक सन, वो हुण दौराने 2 दिन के पुलिस रिमांड दे विच क्लीयर करांगे। असी सप्लायर ये भी गल असी क्लीयर करांगे दौराने भी कित्थे वेचदे सी, ये सप्लायर सी जां आप खुद खांदे सी जां की वेचदे सी। इधर स्टेट तो लैके आए ने, झाटगढ़ साइड तो लैके आए ने जी, जो नरेंद्र वो लैके आया नाल ही गए सी। बाकी क्लीयर करते हैं सर। वहीकल इन्हों को स्कूटरी बरामद की हैगी है जी, एक तो नाल अफीम बरामद की हैगी है जी। नरेंद्र तो अबव 70 है, दूसरा जो लोकल इतने टेलर है जी जो रोशन आ रहा। 2 दिन का पुलिस रिमांड है जी, वो वेरीफिकेशन करते हैं जी, पिछला इन्हों का जो प्रीवियस रिकॉर्ड आ वो चैक करते हैं भी इतने कोई मुकदमा दर्ज है या अदर स्टेट्स कोई मुकदमा दर्ज हो, दौरान पुलिस रिमांड अं चैक कर लेंगे। जालंधर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए जालंधर ट्रैफिक पुलिस ने APJ कॉलेज के बाहर खड़े किए गए 2 व्हीलर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। तो वहीं कॉलेज के छात्रों द्वारा नियमों की बार बार अनदेखी करने के कारण पुलिस को मजबूरन चालान काटने पड़ी। इस समस्या को हल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने पहले कॉलेज प्रशासन से संपर्क किया था। प्रशासन को इस मुद्दे के बारे में बताया गया था और उनसे आग्रह किया गया था कि छात्रों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करें। कॉलेज प्रबंधन ने आश्वासन दिया था, लेकिन इसके बावजूद छात्रों द्वारा कॉलेज के बाहर स्कूटर और मोटरसाइकिल खड़े करना जारी रखा गया। समस्या का समाधान ना होते देख पुलिस ने सख्त कदम उठाते हुए कॉलेज के बाहर खड़े सभी 2 व्हीलर्स के चालान काट दिए। ट्रैफिक इंचार्ज ने चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में भी इस प्रकार का उल्लंघन जारी रहता है तो चालान काटने के साथ साथ वाहनों को भी जब्त किया जाएगा। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। आज जो चालान कटे जा रहे हैं APJ कॉलेज बारे में दसो। ये जो अपना रोड है, लोगों के गड्डियां लीव है, स्पेसिफिकली इन्होंने अपनी पार्किंग बनाई हुई है नजारे। ठीक, किन्ने को चालान कटे आज? आज 8-10 स्टिकर लगाए। सर बड़ी बारी देखी जाता भी रोज तुम कॉलेज के बाहर प्रिंसीपल ना गल भी हुई, उन्होंने गड्डी हटा दी, अंदर पार्किंग भी है, लेकिन फिर भी क्यों खड़े करा देंगे बाहर? बच्चे मनते हैं, बार बार इन्होंने समझाया भी है, लेकिन हटते नहीं, हूँ फिर पार्किंग करके चले जाए जो अपना रोड ब्लॉक हो जाए। जेकर चलान कटन तो बाद फिर भी खड़े करेंगे, दोबारा चलान कटे जाने? दोबारा कटे जाएंगे। सर की नाम अपना? ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਨ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਚਲਾਨ? ਤਾਂ ਰੋਂਗ ਪਾਰਕਿੰਗ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਹੈ ਸਰ ਬਲੋਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 8-12 ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਚਲਾਨ? ਸਰ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ? APJ ਸਕੂਲ ਸਰ।
ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕਰੀ ਦੇ ਹੱਥੀ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਅੱਜ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਰਾਜਚੰਦ ਸਿਆਲ ਕੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਪਰਿੰਦੇ ਫਿਟਨੈਸ ਡਾਂਸ ਔਰ ਐਕਟਿੰਗ ਅਕਾਦਮੀ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਜਲੰਧਰ ਜੋ ਕਿ 2007 ਸੇ ਯੁਵਾਓਂ ਕੋ ਕਲਾ ਔਰ ਫਿਟਨੈਸ ਕੇ ਖੇਤਰ ਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨੇ ਇਸ ਵਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਯੋਜਨ ਪਰਿੰਦੇ ਟੀਮ ਕੌਨਕਲੇਵ 3.0 ਕਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਯੋਜਨ ਕੀਆ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕਾ ਉਦੇਸ਼ਯ ਥਾ ਤਿਉਹਾਰੋਂ ਕਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਨਾ ਔਰ ਟੀਮ ਕੇ ਸਦਸਯੋਂ ਕੇ ਬੀਚ ਮਿੱਤਰਤਾ ਸਿੱਖਣੇ ਔਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੋ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ इस अवसर पर परिंदे टीम के सदस्य उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों से शामिल हुए कॉन्क्लेव के दौरान टीम ने गुड फ्रेंड्स गुड फूड और ग्रेट फन के नारे के साथ एक साथ मिलकर जश्न मनाया और कई नए कौशल सीखे कार्यक्रम में फिटनेस डांस और एक्टिंग से संबंधित विभिन्न वर्कशॉप्स आयोजित की गई जहाँ प्रतिभागियों ने अपनी कला को और निखारने का मौका पाया विशेष सत्र परिंदे का पंख जेसी हरप्रीत सिंह ओबरॉय द्वारा दिया गया इस अवसर पर राजन सियाल रेनू सियाल शारू जैन गगनदीप कंचन भी उपस्थित रही जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट हाँ जी सर सत श्रीकाल जी मैं जेसी हरप्रीत सिंह ओबरॉय जीसी जालंधर का पास प्रिंसिपल और नैशनल ट्रेनर फॉर जीसीआई अज असी परिंदे अकैडमी आए और एक वर्कशॉप की गई जिहड़े ग्रोइंग टूगैदर के उत्ते गल की गई कि जदों असी इकट्ठे होकर काम करते हैं और असी अपने काम को कितना बढ़ा सकते हैं और किस तरह हर टीम मैंबर अपना जो कंट्रीब्यूट करता है और किस तरह वो अपने काम को होर बढ़ा सकता और टीम एफर्ट के नाल जो भी तुसी बल्दिया जीवन के अचीव करना चाहते हो वो तुसी अचीव कर सकते हो अज की जिहड़ी वर्कशॉप है और राजन सियाल दी अकैडमी दे विच परिंदे विच ऑर्गेनाइज की गई जिहड़ा कि निमंत्रण सीगा राजन सियाल जी वालों कि तुसी आके साडी टीम नूं मोटीवेट करो ये उपराला किया गया है और ये शायद हर एक वास्ते जरूरी है कि अपनी टीम हर बिजनेसमैन नूं अपनी टीम नूं सक्सेस्त करना ताकि वो अपनी टीम नूं उस बुलंदी ते ले जाए जिहदे नाल वो अपने काम नूं अपने व्यवसाय नूं अपने जीवन नूं बेहतर और होर बेहतर बना सके इस तरह अज दी वर्कशॉप दे नाल बहुत मज़ा आया सारे पार्टिसिपेंट्स दे नाल बहुत अच्छा जी सी जलंधर का भी बड़ा वधिया रोल सीगा जिहड़ा उन्होंने कंट्रीब्यूट किया शारू मैम इत्थे सीगे जिहड़े कि इन्हां दे प्रेजिडेंट ने इस साल उन्होंने अपनी ईयर दे विच कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके नाल मैनेज सीगा और जिहदे नाल सारयां दा बहुत बहुत शुकराना अज इस मौका दिता गया थैंक यू वेरी मच सो गाइस अज एक बहुत खुशी का मौका है क्योंकि साडी टीम कंक्लेव यानी कि 3.0 परिंदे की टीम जो जी है मौका दिता नॉर्थ इंडिया में जिन्हें भी ट्रेनर्स ने वो सारे अज इत्थे इकट्ठे हुए हैं और इन्हों अज एक मौका दिता गया कि एक नवी उड़ान जी है उन्होंने भरन का और असी सब तो पहला JCI कोलैबोरेशन किया क्योंकि तुम्हें पता कि JCI ऑलवेज जो यूथ है उन्होंने इंस्पायर करती है साडे JCI जो मुढ़ ने हरप्रीत सिंह ओबरॉय जी उन्होंने अज इत्थे एक सैशन दिता जिहदा नाम सीगा परिंदे दे पंख परिंदे के पंख के उन्होंने टीम में जोड़ा कि ऑलमोस्ट 40-50 लोगों की टीम से उन्होंने इंस्पायर किया उन्होंने टीम वर्क के बारे समझाया उस दसया गया कि किस तरह जो तुम इकले काम करते हो तो छोटा चेंज आता है जे तुसी सारे मिलके काम करते हो तो बहुत बड़ा चेंज लैके आ सकते हो चाहे तुहाडी लाइफ है चाहे वह सोसाइटी है सो मैं धन्यवाद देना चाहवागा ईच एंड कैंडीडेट जिन्होंने भी इतने आके इस ट्रेनिंग में ज्वाइन किया और स्पैशली JCI जिन्होंने इन्हां यूथ को इंस्पायर किया और ट्रेनिंग दे के सच्ची सच्ची साडा दिल जित लिया थैंक यू सो मच एंड पूरी पूरी जी टीम है हलचल की मैं उन्होंने भी थैंक्स करना चाहना कि हमेशा सानू सपोर्ट करते हैं और उन्होंने प्यार बनया रहा है इदा ही सानू प्लीज़ 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 सपोर्ट करते रहो तुहानू परमात्मा लंबी उम्र दे थैंक यू सो मच ये सो अज बहुत ही प्यारा दिन है क्योंकि साडा अज एक ऐसा दिन है जिदे विच असी यूथ नूं इंस्पायर कर रहे हैं यूथ यानी कि जड़ा बच्चा बिल्कुल एकदम रॉ तो अज किसी अच्छे मुकाम ते है और उन्हूं हुण एक दिशा चाहिए एक गाइडलाइन चाहिए ताकि एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन के पूरी कंट्री दे कम आ सके सो उहदे लई अज तुसीं देख सकते हो कि असी अज टीम क्लीयर कर रहे हैं परिंदे दी जिहड़ी कि असी JCI ने मिलकर कर रहे हैं और JCI के साडे जिहड़े मुढ़ ने हरप्रीत सिंह ओबरॉय जी जिन्होंने अज आके परिंदे के पंख एक बहुत वधिया सैशन भी डिलीवर किया जिहदे विच बच्चों नूं दस्या गया कि टीम जिहड़ी है वह कितनी इंपॉर्टेंट है टीम के बिना असी कुछ नहीं कर सकते और टीम के नाल असी बहुत वड्डे वड्डे चेंजेस लैके आ सकते हैं एक कहावत है कि वे साहसहीन होते हैं जो भाग्य को कोसते हैं उगने वाले पत्थरों का सीना चीर कर भी उग ही जाते हैं
ऐसी ही खबर जलंधर से सामने आई है, जहां एक महिला ने अपनी बेटी के साथ अपनी पढ़ाई पूरी की है, क्योंकि कम उम्र में शादी होने के कारण वे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई थी, लेकिन उसका शिक्षा के प्रति प्रेम कभी कम नहीं हुआ। महिला की बेटी बचपन से ही अंधी थी और इसके बाद भी महिला ने हिम्मत नहीं हारी। अपनी बेटी की पढ़ाई पूरी करने के लिए महिला ने ब्रेल भाषा सीखी और ऑडियो पुस्तकें बनाना शुरू कर दिया। वहीं महिला ने बताया कि उनकी शादी 18 साल की उम्र में हो गई थी, जिस कारण वे अपनी उम्र के मुताबिक पढ़ाई नहीं कर पाई। लेकिन जब बेटी गुलदीन कौर ने जलंधर के लालपुर खालसा कॉलेज फॉर वुमेन में ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में एडमिशन लिया, तो मनप्रीत भी अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। मनप्रीत ने कहा कि ये मेरी बेटी के साथ पढ़ाई का सही समय था। माँ और बेटी दोनों ने एक साथ कॉलेज में दाखिला लिया और अपनी डिग्री पूरी की। माँ मनप्रीत और बेटी गुलदीन कौर ने लालपुर खालसा कॉलेज फॉर वुमेन से ह्यूमैनिटीज़ की डिग्री प्राप्त की है। मनप्रीत के पति सुखविंदर सिंह पेंट कारोबार से जुड़े हैं। वहीं मनप्रीत ने कहा कि अगर गुरदीन के पिता उन्हें प्रोत्साहित नहीं करते तो उनके लिए मुश्किल हो जाती। साथ ही अपनी मां के साथ डिग्री पूरी करने के बाद गुरदीन ने कहा कि वे सिविल सर्विसेज में जाना चाहती है। जर्नी थोड़ी औखी सी, क्योंकि इस एज आके लिखना लर्न करना उन्होंने ग्रैब करना तो औखा काम सीगा, बट हौली हौली जिमें ये नाल इनू कराते कराते मैनू भी थोड़ी जी हिम्मत आई, ये नाल नाल मैं भी कर लिया, जिमें देखी जाएगी जो होएगा देखा जाएगा। बाकी सोच नहीं सकती मैं, पर बहुत औखा सीगा मेरे वास्ते, पर ये कहंदी सी नहीं मम्मा नाल कर लो, मेरे कोई गल नहीं, मैं जाना ही है कॉलेज, मेरे नाल चलो। फिर ये हिम्मत नाल मैं भी तुरी गई नाल नाल। मैं कह इन्ना शौक नहीं सी, पर ये नाल रह रह के जिवें इहनू पढ़ांदे पढ़ांदे मेरा भी थोड़ा जा इंट्रस्ट जागना शुरू होया कि चल मैं भी कर सकती, चल ये नाल मैं भी कर लाँगी, इस बारे मेरी भी ग्रेजुएशन हो जाएगी जिहड़ी विच छुट गई सी किन्ने साल पहले। नहीं, ये सारा कुछ जिहड़ा होया वो कल्ली मेरी जर्नी नहीं है, ये लाइक पूरी फैमिली सपोर्ट ते नाल टीचर्स दा जिहड़ा कंट्रीब्यूशन हैगा ते सारे दा सपोर्ट करके ही ये सारा कुछ होया पॉसिबल। ते मेरी जर्नी नालों खास मदर दी जिहड़ी अकम्पलिशमेंट वो है मेरे अकॉर्डिंगली, क्योंकि इस एज जिहड़ा इन्होंने जो कर दिता है वो अज दे टाइम च ते कोई नहीं कर सकता मेरे अकॉर्डिंगली। तो अजक क्योंकि जो यूथ है वो वैसे ही स्टडीज़ वगैरह तो भजना चाह रहे हैं, तो यूथ ही नहीं जे इंट्रस्टेड तो इस आके तो लोग सोच ही नहीं सकते करन दा, तो डेफिनेटली काफ़ी वधिया लग रहा है। तो विदाउट फैमिली सपोर्ट ये पॉसिबल नहीं सीगा बिल्कुल, तो उन्हां सारिआं दा मैं थैंक्स करना चाहूँगी जिन्हां जिन्हां ने भी सपोर्ट किया ते नाले इन्हों हर्डल्स नू क्रॉस करन दी हिम्मत दित्ती, ते उना करके ये सारा कुछ हो रहा। मैं एक्चुअली करंटली PCS लई प्रिपेयर कर रही हाँ, ते सिविल सर्विस जाण दा शुरू तो ही सीगा प्लान, ते कोशिश रहेगी। रीज़न कोई नहीं, लाइक रीज़न ये है कि चलो हूँ तो इंट्रस्ट भी बन गया, पहले जो इंट्रस्ट नहीं भी सी उदो ये कि कुछ डिफरेंट करना है जो बहुत घट लोग कर पाते हैं, तो वो फिर मेरे फादर ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, यही करना है हूँ कि ट्राई करते रहो तो डेफिनेटली विल अचीव योर गोल। हाँ जी, मेरे तो ज़्यादा पापा तो काम सीगा ये करना तो मैं तो बस इन्हों थोड़ा फोर्स ही किया, बाकी असली काम मेरे फादर ने किया ये वाला कि भी आप तो पढ़ाना ही है तो तू ही पढ़ ला कहते नाल, तो फिर यही कहते कहते बस करा दिता। देखो डायरेक्टर मैं तो सोच भी नहीं सकता भाई मैं डायरेक्टर बन जावा, डायरेक्टर तो उपर वाला ही है जिन्हें इस काबिल बनाया, तुसी आज मेरी स्टोरी कर रहे हो इतने सारे जने बैठ के, पर मैं अपने आप में इस काबल नहीं समझता,
मेन ये है भी हुण जिहड़ी चीज़ आपां इत्थे कवर कर रहे हैं मेन वो इन्नू एज अ मोटिवेशनल स्टोरी तुसीं अग्गे लैके चलो भी इहो जे कई बच्चे होणगे जिन्हां दा लाइफ दे विच बहुत वो स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं उन्हां नू ये कहना चाहूँगा भी जे पूरी एफर्ट ला के पूरे तुसीं शिद्दत नाल कोई काम जे फड़ लो कोई तो पॉसिबल नहीं हैगा भी वो ना हो सके। किसी भी काम नू ही आपां जे शुरू कर लईए इस एक वोट आसरा प्रभु का लैके जो आप गल करिए मतलब वो तो अपने नाल ही है हमेशा ही अपने नाल रहा पर अंदरों एक दृढ़ जिन्हों आप कहने निश्चय बंदा कर लवे जो सोच लवे जो कुछ करना है तो नथिंग इज इम्पॉसिबल कुछ भी अपने आप ये नहीं कह सकते भी वो हो नहीं सकता। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तलाब मंदिर की पावन धाम में प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय महाराज आशीर्वाद देने पहुंचे। उनके साथ गौ सेवा मिशन के स्वामी कृष्णानंद महाराज, महंत बंसीदास महाराज, महंत हरी रामदास महाराज, प्रसिद्ध भजन गायक अशोक शर्मा, आशु शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर संकीर्तन किया गया एवं सामूहिक श्री हनुमान चालीसा जी का पाठ भी किया गया। इस अवसर पर श्री देवी तलाब मंदिर के महासचिव राजेश विज ने आए हुए सभी संत समाज एवं महानुभावों को माता रानी का स्वरूप रूपी स्मृति चिन्ह एवं चुनरी देकर सम्मानित किया। इस दौरान इंद्रेश उपाध्याय महाराज ने आरती कर माता रानी का आशीर्वाद दिया। इस मौके पर आरएसएस के प्रमोद किशोरकांत, प्रसिद्ध भजन गायक अशोक शर्मा, आशु शर्मा, संजीव वर्मा, रमन शर्मा, राजू शर्मा, मनु छाबड़ा, पूर्व पार्षद भूषण कोहली, नेहा सहित असंख्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। सुबह तो सब लोगों को काम होते हैं पर शाम को आप सब लोग यहाँ जुड़ो
और सब मिलकर के यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करो। हम सब लोगों को एक होने की बहुत आवश्यकता है, नहीं तो वो समय दूर नहीं कि जैसा बांग्लादेश का आज हुआ वो भारत का भी हो गया है। इसलिए इन संत देवे को लिए चिंता करना गृहस्थियों का काम है, संतों का है। बहु जी इधर देखना एक बार है सारे महाराज जी स्वामी जी सामने देखना महाराज जी गुरु जी ऐसे देखना आप भी जी गुरु जी धन्यवाद। ओम मंत्रार्था शब्दाशंतो पुण्याशंतो मनोरथा शत्रुणां बुद्धिनाशस्तु मित्राणां उदयस्तव श्री वर्चस्य मायुष्यमानिक्यमाभिधात्सो गमानयते धनं धान्यं वसुम्भव कीर्तिनाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः। नारायण सेवा समिति एवं नारायण संकीर्तन महिला मंडल जालंधर की ओर से सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के श्री राम हॉल में चल रही श्री राम कथा के तीसरे दिन की शुरुआत पूजन के साथ हुई। तो वहीं इस कथा की शुरुआत करते हुए श्री काशी धर्म पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी नारायणानंद तीर्थ महाराज जी ने उपस्थित श्री राम भक्तों से कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को प्रेम ही प्रिय है, हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि प्रतिदिन हमें कुछ समय एकांत में बिताना चाहिए और जीवन के विकास के लिए हर अच्छा कार्य करना चाहिए वह समय पर करना चाहिए। इस अवसर पर आप नेता अमित ढाल, रोबिन सांपला, रिया सांपला, डॉक्टर बी डी शर्मा, जोगिंदर पाल, राजू शर्मा, नरेश शर्मा, कॉमेडी कलाकार संदीप जीत पतित और राहुल जीत ने विशेष रूप से शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किए। इस अवसर पर प्रधान हरेकांत झा, कैशियर भगवान दास, पूर्व प्रधान एवं पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी अजय मल्होत्रा, अशोक मेहरा, वेद प्रकाश, श्यामा द्विपाठी के वरिष्ठ नेता तेज प्रताप सिंह, अशोक शर्मा व मनोज मिश्रा भी शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट।
महाराज श्री की पादुका पर अर्पित करना है। ध्यान दें सभी भक्त, पुष्पांजलि महाराज श्री की पादुका पर अर्पित करना है। कुमार अग्रवाल अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण प्रभु चरणों में विलीन हो गए हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु श्रद्धांजलि सभा का आयोजन श्री देवी तलाब मंदिर स्थित श्री राम हाल में किया गया। इस दौरान पंडित नरेश चंद्र ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय सुमेश कुमार अग्रवाल की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर श्री देवी तलाब मंदिर के महासचिव राजेश वेज, पूर्व विधायक पवन कुमार टीनू, भाजपा जिला अध्यक्ष सुशील शर्मा, बाल कृष्ण बाली, रवि पंडित, गुलशन शर्मा जालंधर, आयरन स्क्रैप मर्चेंट एसोसिएशन गुरुदत्त शिंगारी व पारिवारिक सदस्यों में रेनू अग्रवाल, संजीव कुमार, मीनू अग्रवाल, सुशील कुमार, मंजू अग्रवाल, अश्विनी अग्रवाल, पूजा अग्रवाल, लोविश गुप्ता, श्रुति गुप्ता सहित शहर के व्यापारिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय सुमेश कुमार अग्रवाल को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अमृतसर के लोहारका रोड पर घरेलू झगड़े के चलते एक नौजवान की आत्महत्या, पत्नी से था परेशान। पुलिस कमिश्नरेट जालंधर ने वैध हथियारों के साथ तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार। एक देसी पिस्तौल, एक मैगजीन 7.65 mm के 4 राउंड और एक स्टील बटन वाला चाकू किया बरामद। जालंधर ग्रामीण पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 3 किलो अफीम के साथ 2 नशा तस्करों को किया काबू। पुलिस जांच में जुटी। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।